हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स डू इट। तो डिस्कस करेंगे आज हम यहाँ पर टीजीटी आर्ट्स का क्वेश्चन पेपर। ये जो टीजीटी आर्ट्स का क्वेश्चन पेपर है, इसका पोस्ट कोड है 631। तो आज जो है हम यहाँ पर इस क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप टीजीटी आर्ट्स कमीशन की प्रेपरेशन कर रहे हो तो उसमें जो है आपके लिए ये क्वेश्चन पेपर काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है। उसी के साथ साथ में अगर आप किसी और एग्ज़ाम की प्रेपरेशन भी कर रहे हो तो उसमें भी जो है ये क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो जाएंगे। और देखो, आज जो है मैं यहाँ पर HPGK का सेक्शन डिस्कस करने वाली हूँ। बाकी जितने भी इसके क्वेश्चन बच जाते हैं उन्हें हम अदर वीडियो में कवर कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 के साथ। अच्छा, यहाँ पर एक बात आपको बता देती हूँ कि मैं क्वेश्चन नंबर 66 से स्टार्ट कर रही हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 60 तक क्वेश्चन है उन्हें हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, पर आज जो है मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 66 से स्टार्ट कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास है, महाभारत के अनुसार किसने 1400 BC के दौरान कटोज राजतंत्र की नींव रखी? तो किसने रखी थी? ये थे सुसरमा चंद। सो ऑप्शन जो है यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और हाँ, क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी अदर पॉइंट्स बनते हैं इंपॉर्टेंट, जो कि आपके पेपर्स में पूछे जाते हैं, उन्हें भी यहाँ पर हम डिस्कस करते चलेंगे। तो देखिए, चलिए हम यहाँ पर बात कर लेते हैं सुसरमा चंद की। तो सुसरमा चंद जो था, ये भूमिचंद की 231वीं पीढ़ी का राजा था सुसरमा चंद। और ये जो सुसरमा चंद था, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं कि महाभारत युद्ध में कौरवों की सहायता किसने की थी? तो वो इसी ने की थी, सुसरमा चंद ने। और एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि पांडवों को अज्ञातवास में शरण देने वाले मत्स्य राजा विराट पर किसने आक्रमण किया था? तो किसने आक्रमण किया था? वो भी यही था, सुसरमा चंद। और देखिए, सुसरमा चंद जो था, इसने कांगड़ा किला बनवाया था, ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। और सुसरमा चंद जो था, इसने नगरकोट को अपनी राजधानी बनाया था। तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वॉज द कैपिटल ऑफ जगत सुख ड्यूरिंग एंशियंट पीरियड? निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्राचीन काल में जगत सुख की राजधानी रहा? तो ये कौन सा स्थान था? तो ये था कुलुता। सो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कुल्लू रियासत की, तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि कुल्लू रियासत की स्थापना जो थी वो किसने की थी? तो कुल्लू रियासत की स्थापना की थी विहंग मणिपाल जो था, इसने हरिद्वार से आकर के कुल्लू रियासत की स्थापना की थी। और एक और क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि किसने जो था कुल्लू रियासत की राजधानी जगत सुख से नगर स्थानांतरित की थी? तो किसने स्थानांतरित की थी? वो था विशुद्ध पाल। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कुल्लू राजाओं की पुरानी राजधानी जो थी जगत सुख थी, यहाँ से इनकी कितनी पीढ़ियों ने शासन किया था? तो वहाँ से इनकी जो थी 12 पीढ़ियों ने शासन किया था जगत सुख से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 है, हिमाचल प्रदेश विकेम यूनियन टेरिटरी इन द ईयर, हिमाचल प्रदेश किस वर्ष संघ शासित प्रदेश बना? तो हिमाचल जो था यूनियन टेरिटरी जो था वो कब बना था? तो ये बना था 1956 में। सो ऑप्शन यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो है डी करेक्ट आंसर है। और इसी के साथ में अगर आपसे पूछ लें कि हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य की प्राप्ति कब हुई थी? तो पूर्ण राज्य की प्राप्ति 25 जनवरी 1971 को हुई थी। अच्छा, 15 अप्रैल 1948 को क्या हुआ था? तो 15 अप्रैल 1948 को जो था हिमाचल प्रदेश एक राज्य बना था 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिला करके। और उस टाइम हिमाचल में कितने ज़िले थे? तो 4 ज़िले थे। और ये 4 ज़िले जो थे ये कौन कौन थे? ये थे चंबा, मंडी और शिमला और महासू। तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 है, हिमाचल प्रदेश का सर्वाधिक सूखा स्थान है? तो हिमाचल प्रदेश का जो सर्वाधिक सूखा स्थान है वो है स्पीति। सो ऑप्शन इस क्वेश्चन का जो है सी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा, यहाँ से और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि हिमाचल प्रदेश की किस जगह जो है सबसे कम वर्षा होती है? तो सबसे कम वर्षा जो होती है वो काजा में होती है। इसी के साथ एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो सर्वाधिक वर्षा वाला जो हिमाचल प्रदेश में स्थान है वो है धर्मशाला। और अगर आपसे पूछ लें कि हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में जो है उच्चतम वर्षा होती है, तो कहाँ पर होती है? वो है कांगड़ा हो जाएगा फिर उसका आंसर।
और अगर आपसे पूछें कि हिमाचल प्रदेश का ठंडा मरुस्थल किसे कहते हैं, तो वो किसे कहते हैं, वो कहते हैं स्पीति को। तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 है, द स्टेट लोकेटेड इन द वेस्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज, हिमाचल प्रदेश के पश्चिम में स्थित राज्य है, तो हिमाचल प्रदेश के पश्चिम में जो है कौन सा राज्य है, वो है पंजाब। सो ऑप्शन जो है यहाँ पर इस क्वेश्चन का सी करेक्ट आंसर है। और अगर आपसे पूछ लें कि हरियाणा जो है ये हिमाचल प्रदेश की किस दिशा में है, तो ये है दक्षिण वाली साइड में। और अगर आपसे पूछ लें कि तिब्बत जो है ये हिमाचल प्रदेश की किस साइड में पड़ता है, तो ये हिमाचल प्रदेश की ईस्ट वाली साइड में पड़ता है, पूर्व वाली दिशा में तिब्बत। और आप बताओ कमेंट करके कि ये जो उत्तर प्रदेश है ये हिमाचल प्रदेश की किस दिशा की तरफ पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 की बात कर लेते हैं। 71 क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट मैन मेड लेक इन हिमाचल प्रदेश इज, हिमाचल प्रदेश में मानव निर्मित सबसे बड़ी झील है, तो मानव निर्मित जो सबसे बड़ी लेक है ये कौन सी है, ये है गोविंद सागर। सो ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और गोविंद सागर लेक जो है ये किस ज़िले में पड़ती है, ये है बिलासपुर, बिलासपुर ज़िले में पड़ती है। और गोविंद सागर लेक जो है ये है किस नदी के ऊपर, तो ये सतलुज नदी के ऊपर है। इसी के साथ इसकी लेंथ भी पूछते हैं कि इसकी लेंथ कितनी होती है गोविंद सागर लेक की, तो वो है 88 किलोमीटर। और इसका अगर आपसे क्षेत्रफल पूछें गोविंद सागर झील का, तो वो है 169 वर्ग किलोमीटर। और देखिए ये जो गोविंद सागर झील है इसी के ऊपर 226 मीटर ऊंचा भाखड़ा बांध भी बना हुआ है, तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 है, द रिवर चिनाब ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड वॉज नोन एज, वैदिक काल में चिनाब नदी को जाना जाता था, तो वैदिक काल में चिनाब नदी को जो था किस नाम से जानते थे, अस्किनी नाम से जानते थे, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो इसीलिए ऑप्शन डी यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो चलिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं चिनाब नदी की। तो देखिए चिनाब नदी का आपको पता चल गया कि इसका वैदिक नाम जो था वो है अस्किनी। अच्छा चिनाब नदी की अगर आपसे पूछें कि इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो चंद्रा होगी और भागा, ये जो है चिनाब की सहायक नदियाँ हैं। इसी के साथ चिनाब नदी का पूछते हैं कि इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो चिनाब का उद्गम बारा लाचा दर्रे से होता है, ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान में रखना है। और देखो ये जो चिनाब नदी है इसकी टोटल लंबाई की अगर हम बात करें कि टोटल लंबाई इसकी कितनी है, तो वो है 1200 किलोमीटर। और अगर आपसे पूछें कि ये चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश में कितने किलोमीटर बहती है, तो 122 किलोमीटर चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश में बहती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं चिनाब नदी से रिलेटेड, जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 है, चुलांग चोटी अवस्थित है, तो चुलांग पीक जो है ये कहाँ पर है, ये है धौलाधार रेंज में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, धौलाधार पर्वत श्रेणी में, चुलांग चोटी जो है ये है धौलाधार पर्वत श्रेणी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 है, द पंचपुला पिकनिक रिसोर्ट इज लोकेटेड नियर, पंचपुला पिकनिक रिसोर्ट अवस्थित है, तो पंचपुला पिकनिक रिसोर्ट जो है ये किसके समीप है, ये है डलहौजी के समीप। तो 74 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी जो है यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 है, भारतीय मानक ब्यूरो का क्षेत्रीय केंद्र अवस्थित है, तो भारतीय मानक ब्यूरो जो है इसका क्षेत्रीय केंद्र जो है ये है परवाणू में। सो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा इसी के साथ आपको एक और पॉइंट ध्यान में रखना है कि अगर आपसे पूछें केंद्रीय आलू अनुसंधान कहाँ पर है, तो वो कहाँ पर है, कुफरी में है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 है, चंबा में रंग महल का शिलान्यास किसने रखा, तो चंबा में जो रंग महल है इसका शिलान्यास रखा था उमेद सिंह ने, तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा उमेद सिंह से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन जाते हैं उन्हें हम यहाँ पर एक बार रीड कर लेते हैं। तो उमेद सिंह जो था इसने क्या किया था, इसने नाड़ा महल बनवाया था, ये आपको ध्यान में रखना है, और इस क्वेश्चन को बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं। इसी के साथ में पूछते हैं कि रंग महल की नींव किसने रखी थी, रंग महल की नींव जो थी ये इसी ने रखी थी उमेद सिंह ने। और देखिए ये जो उमेद सिंह था तो चंबा का ये राजा था, तो उमेद सिंह जो था उस टाइम जो था उमेद सिंह के टाइम में चंबा जो राज्य था वो मंडी तक फैला हुआ था, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 है, भंगानी का युद्ध गुरु गोविंद सिंह और निम्न राजा के मध्य हुआ था, तो भंगानी का युद्ध जो था गुरु गोविंद सिंह और बिलासपुर के राजा,
के बीच में हुआ था। और अगर आपसे पूछें कि बिलासपुर के राजा जो थे वो कौन थे, तो बिलासपुर के राजा थे भीमचंद। भीमचंद उस टाइम बिलासपुर के राजा थे। इसी के साथ में एक और क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जो थे, इन्होंने कहलूर की यात्रा कब की थी? तो इन्होंने कहलूर की यात्रा 1882 में की थी। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 है, किस वर्ष में रामपुर बुसहर रियासत ब्रिटिश आधिपत्य के अधीन आई? तो रामपुर बुसहर रियासत जो थी ये ब्रिटिश आधिपत्य के अधीन आई थी 1815 में। तो ऑप्शन यहाँ पर इसका ए जो है ये करेक्ट आंसर है। अच्छा, इसी के साथ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है क्वेश्चंस बुसहर रियासत से रिलेटेड। एक बुसहर रियासत का राजा था जिसका नाम था शमशेर सिंह। तो जो शमशेर सिंह था, जब 1857 का विद्रोह हुआ था, उसने अंग्रेज़ों का साथ जो था वो नहीं दिया था। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 है, 1921 में निम्न में से किसने शिमला प्रवास नहीं किया? तो 1921 में जो थे शिमला, ये बाल गंगाधर तिलक नहीं आए थे। सो ऑप्शन ए यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 है, क्वेश्चन नंबर 80 है, इन विच ईयर पीटर हॉफ वॉज डिस्ट्रॉयड इन अ मेजर फायर? किस वर्ष पीटर हॉफ एक भीषण अग्नि में विनष्ट हुआ था? तो पीटर हॉफ में एक भीषण अग्निकांड जो था ये कब जैसे हुआ था, 1981 में। तो ऑप्शन यहाँ पर इसका जो है बी करेक्ट आंसर है। इसी के साथ में हम शिमला से रिलेटेड, क्योंकि पीटर हॉफ जो है वो शिमला में है, तो शिमला में जो भी शिमला से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उन्हें हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। एक तो मैंने आपको ऊपर बता भी दिया था कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान जो है वो है कुफरी शिमला में। इसी के साथ में आपसे पूछते हैं कि शिमला में गीएटी थिएटर जो था आम जनता के लिए कब खोला गया था? तो गीएटी थिएटर जो था ये आम जनता के लिए खोला गया था 1887 में। अच्छा, एक और क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि शिमला नगर पालिका का निर्माण कब जैसे किया गया था? तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि शिमला नगर पालिका का निर्माण 1882 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 है, हु बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट सेटअप इन द इन थियोग इन 1947? 1947 में थियोग में गठित स्वतंत्र सरकार में कौन मुख्यमंत्री बना था? तो कौन मुख्यमंत्री बने थे, ये थे सूरत प्रकाश। सो ऑप्शन यहाँ पर इसका डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 है, गद्दी निम्न के वंशज माने गए हैं? तो गद्दी किन के वंशज माने गए हैं, ये माने गए हैं खत्रियों के। तो ऑप्शन यहाँ पर इसका सी जो है ये करेक्ट आंसर है। और देखिए, एक राजा था संसार चंद। तो संसार चंद जो था उसने नोखू गद्दन जो था उसको अपनी रानी बनाया था। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखना। इसी के साथ आप ध्यान में रखना कि ये जो गद्दी लोग होते हैं ये शिव की पूजा करते हैं, और ये अपने पहनावे में, इनके पहनावे में चोला और डोरा जो है वो काफ़ी फेमस है, जो शायद ये अपनी कमर के ऊपर पहनते हैं। तो इसको आप थोड़ा सा देख लेना, आई थिंक थोड़ा सा इसमें डाउट है मुझे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 है, कुलीन दास मूलतः निम्न से संबंध रखने वाले लोग थे? तो कुलीन दास जो थे कहाँ से संबंध रखते थे, शिमला एवं सिरमौर की पहाड़ियों से। तो ऑप्शन सी यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 है, शोभा सिंह आर्ट गैलरी इज लोकेटेड एट? शोभा सिंह कला विथी अवस्थित है कहाँ पर है, तो ये है अंद्रेटा में। सो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है, और अंद्रेटा जो है ये पड़ता है पालमपुर में। ऑप्शन ए जो है, एक है नग्गर आर्ट गैलरी जो कहाँ पर है, कुल्लू में पड़ती है। इसी के साथ में आपसे पूछते हैं कि स्टेट म्यूज़ियम जो है वो कहाँ पर है, तो वो है शिमला में। और एक और क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि जनजातीय संग्रहालय जो है वो कहाँ पर है, तो जनजातीय संग्रहालय है केलांग में। ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनको देखना, पक्का आपके पेपर में पूछे ही जाएंगे ये वाले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 है, हिमाचल का राज्य संग्रहालय जिस सुप्रसिद्ध भवन में है वह है? अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर आप बताना कमेंट बॉक्स में कि हिमाचल का राज्य संग्रहालय जिस सुप्रसिद्ध भवन में है वह कौन सा है। वैसे इसका मैं आपको आंसर बता देती हूँ, ये है नन ऑफ दीज। ऑप्शन डी जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 है, पश्चिमी हिमालय में पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अवस्थित है? तो पश्चिमी हिमालय में पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है ये कहाँ पर, जोगिंदर नगर में। सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 है, विच इज़ द लार्जेस्ट एप्पल ग्रोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश का सर्वाधिक सेब उत्पादक जिला है, तो ये कौन सा है, ये है शिमला। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर, और शिमला के बारे में मैंने आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 है, शिक्षण अनुसंधान तथा प्रशिक्षण की राज्य परिषद अवस्थित है, तो ये कहाँ पर है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है
ऑप्शन डी सोलन में। शिक्षण अनुसंधान तथा प्रशिक्षण की राज्य परिषद जो है ये सोलन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 है, द फर्स्ट हिमाचली ऑनर्ड विद पद्मश्री वॉज, पद्मश्री से सम्मानित पहला हिमाचलवासी था, तो ये कौन थे? ये थे कैलाश महाजन। सो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 है, एज पर सेंसस 2011 पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश इज, जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है तो कितना है? 123 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अच्छा, आपसे पूछते हैं कि हिमाचल प्रदेश की कुल साक्षरता जो है वो कितनी है, तो टोटल साक्षरता हिमाचल प्रदेश की 82.8%। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपके एग्जाम में किसी ना किसी पेपर में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएगा। इसी के साथ में आपको ये भी ध्यान में रखना है कि हिमाचल प्रदेश की जो पुरुष साक्षरता है ये कितना परसेंट है, ये है 89.53%। और इसी के साथ अगर आपसे महिला साक्षरता दर भी पूछ लें तो ये भी आपको पता होनी चाहिए, महिला साक्षरता दर जो है ये है 75%। तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान में रखने हैं। तो ये था हमारा हिमाचल जीके का क्वेश्चन सेक्शन जो था यहीं पर कवर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 जो है यहाँ से करंट अफेयर का सेक्शन स्टार्ट होता है, तो करंट अफेयर के क्वेश्चन जो है वो हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। बाकी अगर कोई फर्स्ट बार विजिट कर रहा है जिसको पता नहीं है कि करंट अफेयर के क्वेश्चन जो हैं वो किस तरह के पूछे जाते हैं, तो वो यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो करंट अफेयर में पूछे जाते हैं। तो बाकी हम यहाँ पर जो है इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करने वाले थे। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और इसी तरह की अगर आप और वीडियोस पाना चाहते हैं तब आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।